यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। कहानी 3 साल पहले। नीलेश एक आईटी कंपनी में जॉब करता था। अपनी पढ़ाई पूरी करके उसने यह कंपनी ज्वाइन की थी। अब लगभग उसे यहां 2 साल हो गए हैं। एक दिन नीलेश का सीनियर उससे कहता है, हमारी कंपनी में कल एक इंटर्न आने वाली है जो तुम्हारे अंडर काम करेगी। इंटर्न? हाँ, उसका डिटेल्स मैंने तुम्हें मेल कर दिए हैं। उसे अपनी कंपनी के सारे काम ठीक से समझाना। ओके सर। अगले दिन जब नीलेश अपना काम कर रहा होता है, पीछे से एक आवाज आती है। हेलो सर। नीलेश पीछे देखता है और बस देखता ही रहता है। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत और सुंदर लड़की खड़ी होती है। हाय सर, आई एम नंदिता, न्यू इंटर्न। ओह हाय, वेलकम नंदिता, बैठो ना। दोनों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। नीलेश का ध्यान बातचीत से ज्यादा नंदिता पर होता है। सर, हेलो सर। हाँ, तो हम कहाँ थे? सर, मैं पूछ रही थी कि यहाँ मेरा काम क्या होगा। आज तुम्हारा पहला दिन है, आज तुम ऑफिस के लोगों से मिलो, काम कैसे होता है ये समझो, फिर कल से काम शुरू कर दो। ओके सर। नंदिता बाकी लोगों से मिलने चली जाती है। नीलेश अब भी उसी के बारे में सोच रहा था। नंदिता कल से उसके साथ ही काम करने वाली है, ये बात उसको मन ही मन सुकून दे रही थी। अगले दिन से नीलेश नंदिता को काम समझाने लगा। काम समझते समझते कभी कभी दोनों में हंसी मजाक भी होता। अब नीलेश को वक्त का पता ही नहीं चलता। जब जब नंदिता उसके पास होती तब वह उसे बातें करता, और जब वह अपना काम कर रही होती तब चुपके चुपके उसकी झलक पाता। एक दिन जब नंदिता को अपने काम में कुछ परेशानी आ रही थी। क्या आप मेरी मदद कर देंगे? हाँ बोलो, क्या हुआ? ये देखिए ना सर। अरे इतनी सी बात? ऐसा कहकर नीलेश नंदिता के पास जाता है और कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। अब दोनों बहुत नजदीक आ चुके थे। नीलेश का हाथ नंदिता के हाथ पर था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे कि एक दूसरे की सांसें तक दोनों को सुनाई दे रही थी। तभी नीलेश का फोन बजता है। यस सर। हाँ सर, आता हूँ। ऐसा कहकर नीलेश सर के ऑफिस में चला जाता है। ऑफिस में मीटिंग चल रही होती है, पर नीलेश का ध्यान मीटिंग में अभी नहीं बल्कि अभी गुजरे लम्हे में था। नीलेश बस उसे याद कर उसे फिर से जीने की कोशिश कर रहा था। जैसे जैसे दिन बीते नीलेश और नंदिता में नजदीकियां बढ़ने लगी। काम की बातें अब प्यार की बातों में बदल गई। नीलेश अब रोज नंदिता को अपनी बाइक पर पिक करता और ऑफिस के बाद उसे घर भी छोड़ता। एक दिन जब सुबह से ही तेज बारिश हो रही थी, जैसे तैसे करके नंदिता और नीलेश ऑफिस पहुंचे। आज नंदिता की इंटर्नशिप का आखिरी दिन था। आज तुम्हारा इस ऑफिस में आखिरी दिन है। पता ही नहीं चला कि ये 1 साल कैसे गुजरा। मुझे भी। ऑफिस छूटने का समय हो जाता है, पर बारिश अभी भी तेज बरस रही थी। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया था। ओ शिट, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? तुम चिंता मत करो, तुम आज मेरे घर में सो जाओ। मैंने न्यूज में देखा है कि तुम्हारे इलाके में पानी भर गया है। नंदिता अपने घर फोन करके बता देती है कि वो अपनी फ्रेंड के यहाँ सो जाएगी। हेलो, हाँ पापा, मैं आज अपने फ्रेंड के यहाँ रुक जाऊंगी और सुबह जब बारिश थम जाएगी तो मैं घर आ जाऊंगी। नीलेश और नंदिता थोड़ी देर बारिश कम होने का इंतजार करते हैं, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं लेती। अंधेरा बढ़ने लगता है, फिर दोनों भी बाइक पर नीलेश के घर की ओर निकल पड़ते हैं। नीलेश के घर पहुंचते पहुंचते दोनों पूरी तरह भीग जाते हैं। घर पहुंचने के बाद दोनों फ्रेश होकर चाय पीने लगते हैं। ठंडी के मौसम में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। हाँ, बिल्कुल। तभी लाइट चली जाती है। नंदिता डर के मारे नीलेश की ओर भागती है। नीलेश, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा कहकर नंदिता नीलेश को कसकर पकड़ लेती है। रूम में अलग किस्म का सन्नाटा छा जाता है। नंदिता को नीलेश के दिल की धड़कन साफ साफ सुनाई देने लगती है, जो कि धीरे धीरे तेज हो रही थी। नंदिता के इतने पास आने के बाद नीलेश की सांसें तेज होने लगती है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अगले दिन बारिश थम जाती है। नंदिता अपने घर चली जाती है। दिन भर वह नीलेश के बारे में ही सोचती रहती है। वहां नीलेश से बातें करने के लिए उसे कॉल करती है, पर वह कॉल नहीं उठाता। नंदिता को लगता है कि वह काम में बिजी होगा। शाम होने पर वह फिर से नीलेश को कॉल करती है, पर कोई जवाब नहीं आता। नंदिता फिर से कॉल लगाती है तो नंबर स्विच ऑफ आता है। नंदिता बेचैन हो जाती है। रात भर उसे नींद नहीं आती।
वह बार बार अपने फोन की तरफ देखती है पर कोई कॉल नहीं आता। सुबह जब नंदिता नीलेश के ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि उसने वह जॉब छोड़ दिया है। उसे बड़ा ही अजीब लगता है। वह उसके घर जाती है तो पता चलता है कि वह एक दिन पहले ही रूम छोड़कर चला गया है। नंदिता घर आती है। उसे लगता है कि नीलेश ने उसके साथ धोखा किया है। गुस्से में आकर वह अपना मोबाइल जमीन पर पटक कर तोड़ देती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी बहन रवीना वहां आ जाती है। नंदिता फूट फूट कर रोने लगती है और रवीना को नीलेश का फोटो दिखाकर सब कुछ बता देती है। ये मर्द जात तो होती ही ऐसी है। तेरे साथ ऐसा हुआ और मेरी तो एक ऐसे आदमी के साथ शादी की गई है जिसे सिर्फ एक औरत के ऊपर हाथ उठाना आता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। नंदिता यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और रात में पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लेती है। कहानी 3 साल आगे। तुम सिर्फ औरत पर हाथ उठाना जानते हो। तुम मर्द नहीं, नामर्द हो। नामर्द? क्या मैं नामर्द हूँ? अभी बताता हूँ तुम्हें। पति उसका गला दबाकर मार डालता है और उसकी लाश को फ्रिज में रख देता है। यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारे सारे न्यूज स्टोरीज आप सबसे पहले देख सके। नीलेश हाल ही में अपने नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। खुद के पैसों से लिए हुए फ्लैट में आकर उसे एक अलग ही खुशी मिली थी। अपने फ्लैट के लिए नीलेश ने एक बढ़िया सी नेम प्लेट भी बनाई थी। नीलेश उस नेम प्लेट को अपने दरवाजे पर लगा रहा था कि तभी उसे अपने सामने वाले फ्लैट से दरवाजा खोलने की आवाज आई। नीलेश ने पीछे देखा और नीलेश देखता ही रह गया। उसका कारण था रवीना। रवीना दिखने में किसी अप्सरा से कम नहीं थी। उसकी झील जैसी आंखें, चेहरे पर आती काली जुल्फे, लाल होठ और पानी में थिरकती हुई मछली जैसा बदन, नीलेश के लिए वक्त मानो थम सा गया था। तभी उसके हाथ से हथौड़ी छूटकर उसके पाँव पर गिर जाती है और वो होश में आ जाता है। अब ठीक तो है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। रवीना मुस्कुराई। उसकी मुस्कान को देखकर नीलेश का दर्द मानो गायब हो गया। रवीना स्टेयरकेस से नीचे उतरने लगी। नीलेश उसे अपने दोनों आंखों से निहारता है और वहीं पे नीलेश रवीना को अपना दिल दे बैठा। अब नीलेश दिन रात हर वक्त सिर्फ रवीना के बारे में सोचता था। वह हर वक्त रवीना के फ्लैट पर नजर लगाए बैठता था कि कब उसे रवीना की एक झलक मिल जाए। और जब जब रवीना उसे दिखाई देती, उसके आंखों में एक अलग ही चमक और चेहरे पर एक अलग ही खुशी छा जाती थी। रवीना भी उसे देखकर मुस्कुरा देती। एक दिन जब नीलेश अपने फ्लैट में था तब उसे किसी के गिर जाने की आवाज़ सुनाई दी। नीलेश बाहर जा के देखता है तो उसे रवीना दिखाई देती है जो कि सीढ़ियों से गिरी हुई है। मेरा पैर! नीलेश दौड़ते हुए उसके पास जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ रवीना जी? अच्छा हुआ तुम आ गए नीलेश, मैं अभी अभी सीढ़ियों से गिर गई। लगता है मेरे पैर में मोच आ गई है। कोई बात नहीं रवीना जी, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। ऐसा कहकर नीलेश ने रवीना को सहारा दिया। रवीना जी, अब मेरा सहारा लेकर धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिए। आउच! नीलेश, चलना तो क्या, मैं तो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो सकती। एक काम करो, तुम मुझे उठाकर अपने फ्लैट में ले चलो। अपने फ्लैट में? नीलेश ने थोड़े झिझकते हुए पूछा। मेरे फ्लैट की चाबी मेरे पति के पास है और उन्हें आने में अभी वक्त है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे ले चलो। ये सुनकर नीलेश की आंखें चमक गईं। उसे मानो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने बिना वक्त जाया किए रवीना को अपने गोद में उठाया और स्टेयरकेस से चढ़ने लगा। नीलेश पहले कभी किसी औरत के इतने करीब नहीं आया था। पहली बार रवीना को छूने का एहसास, उसके बदन से आने वाली अत्तर की खुशबू
और उसकी आंखों से आंखों का टकराव, यह सब उसके लिए सपने जैसा था। नीलेश ने रवीना को फ्लैट के बेडरूम में सुला दिया, ड्रॉअर से मलम निकालकर रवीना के पैर पर लगा दिया। थैंक यू नीलेश, मेरी मदद करने के लिए। अरे ये तो मेरा फर्ज था। वैसे आपकी शादी हो गई है? हाँ, क्यों? नहीं, मैं तो बस पूछ रहा था। वो एक बिजनेसमैन है, उनका बिजनेस अभी बढ़ गया है, तो वो सुबह जल्दी जाते हैं और शाम को देर से लौटते हैं। तो दिन भर आप अकेली रहती हो? हाँ नीलेश, बस दिन भर बोर हो जाती हूँ। मैं भी दोपहर में फ्री होता हूँ, आप चाहे तो मेरे यहाँ आ सकते हो, आपका दिल भी बहल जाएगा। मेरा दिल बहल जाएगा या तुम्हारा? हाँ मतलब। चलो ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मेरी मूंछ अब ठीक हो गई है। तभी रवीना और नीलेश के करीब आती है और उसके कान के पास जाकर कहती है, थैंक्स। रवीना ऐसा कहकर चली जाती है। नीलेश अब भी उस लम्हे को जी रहा था जब रवीना उसके बहुत करीब आई थी। अभी भी नीलेश के हाथों से रवीना के इत्र की खुशबू आ रही थी। मन ही मन नीलेश रवीना के ख्यालों में खो गया। अब दोपहर को रवीना नीलेश के फ्लैट में जाती, दोनों ढेर सारे बातें करते, दोनों साथ खाना खाते और फिर से अपने बातों का सिलसिला शुरू रखते। ऐसे ही कई दिन बीते, अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। दोनों की दोपहर अब बातों बातों में कब निकल जाती दोनों को पता नहीं चलता। एक दिन जब दोनों चेस खेल रहे थे, अरे वाह तुम तो बड़ी अच्छी चाल चल लेती हो, पर मुझे हराना इतना आसान नहीं। तभी रवीना एक चाल चलती है। चेक एंड मेट। क्या, ये तुमने कैसे किया? मैं प्यादे को मोहरा बनाती हूँ और फिर उसे राजा को भी मात देती हूँ, यही मेरी चाल है। क्या बात है रवीना, तुम्हारा तो जवाब नहीं। हर गुजरते लम्हे के साथ नीलेश की बेचैनी और रवीना को देखने की तड़प बढ़ने लगी। आखिर एक दोपहर नीलेश के दरवाजे की बेल बजी। नीलेश की आंखें चमकी, उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला तो सामने रवीना खड़ी थी। नीलेश ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे बाहों में भर लिया। इतने दिनों का इंतजार, इतने दिनों की तड़प अब जाके शांत हो गई। तभी नीलेश की नजर रवीना के पीठ पर गई, उसके पीठ पर चाबुक से मारने के निशान थे। ये सब क्या है रवीना? रवीना नीलेश को अपने भावों में भरती है और रोने लगती है। आखिर क्या बात है रवीना, और तुम्हें किसने मारा? ये सब उस मुरली ने किया है। मुरली? कौन मुरली? मेरा पति। हाँ मेरा पति, वो दरिंदा हर शाम दारू पीकर आता है और मुझे चाबुक से मारता है। ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मुझे लगा कि आज नहीं तो कल उसकी हैवानियत खत्म हो जाएगी, पर नहीं, वो तो दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। तंग आ गई हूँ मैं जिंदगी से, अब मौत ही मुझे उस दरिंदे से बचा सकती है। ऐसा मत कहो रवीना, चलो हम पुलिस के पास चलते हैं। नहीं नहीं, मैंने एक बार पुलिस के पास जाने की गलती की थी, पैसे देकर उसने केस भी बंद करा दिया और उसकी सजा उसने मुझे बहुत बुरी तरह से मार कर दी थी। रवीना तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर तुम्हें इससे बाहर निकालेंगे। इससे निकलने का बस एक ही रास्ता है, मुरली की मौत। ये सुनकर नीलेश के होश उड़ गए, नीलेश का माथा पसीने से भर गया। ये तुम क्या कह रही हो? हाँ नीलेश, मुझे अब इन सब से छुटकारा चाहिए। मुरली के बाद हम दोनों साथ रहेंगे, तुम्हारे साथ बिताया हर पल हर लम्हा मुझे सुकून देता है और अब मैं ये सुकून पूरी जिंदगी चाहती हूँ। ये सुनकर नीलेश सुन हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। ज्यादा सोचो मत नीलेश, मैं और तुम जीवन भर के लिए एक हो जाएंगे, सिर्फ हमें मुरली को हटाना होगा। तुम ये काम करोगे ना नीलेश? बोलो नीलेश। नीलेश अब भी चुप था, जिंदगी उसे ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी ये कभी उसने सोचा भी नहीं था। देखो नीलेश, मेरे पास एक प्लान भी है। कल इतवार है और इतवार के दिन मुरली दोपहर से ही दारू पीता है। तुम्हें जाके मुरली का काम तमाम करना होगा और फिर उसे किचन के फ्रिज में रखना होगा और रात होते ही हम दोनों उसे जंगल में जाके दफना देंगे। नीलेश बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है, बोलो नीलेश, तुम ये करोगे ना? बोलो नीलेश।
रवीना तुम ये क्या कर रही हो? ये सब गलत है रवीना। ठीक है, अगर तुम्हें ये सब गलत लग रहा है तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचा है। ऐसा कहकर रवीना टेबल पर पड़ा चाकू उठा लेती है और अपनी नस काटने की कोशिश करती है। नीलेश उसे पकड़ता है। ये तुम क्या कर रही हो? ऐसा कहकर नीलेश रवीना के हाथों से चाकू छीन लेता है। क्यों रोका मुझे? ना तो तुम मुझे जीने दे रहे हो और ना ही मरने। ठीक है, अगर यही तुम्हारे जीने का कार्य है तो तुम्हारे लिए मैं ये काम करने के लिए तैयार हूँ। आखिर रवीना की खूबसूरती और उसके साथ की चाह ने नीलेश को ये काम करने पे मजबूर कर दिया। मुझे पता था नीलेश, तुम मेरा साथ कभी नहीं छोड़ोगे। अब बस मुझे कल का इंतजार है। उस रात नीलेश अपने बिस्तर पर करवटे बदल रहा था। वह रात नीलेश के लिए एक लंबी रात थी। नीलेश सोने की कोशिश करता है पर अजीब सी बेचैनी उसे सोने नहीं देती। आखिरकार सुबह हो गई। नीलेश अब भी बेचैन था। एक अजीब सा डर उसके मन में झांक रहा था। वो हॉल में इधर से उधर चलता है, बीच में रुक जाता है और घड़ी देखता है। वो फिर चलने लगता है। आखिरकार 2 बज गए। नीलेश ने अपने फ्लैट का दरवाजा खोला, आसपास देखा तो वहां कोई नहीं था। नीलेश ने रवीना के फ्लैट का डोरबेल बजाया। मुरली ने दरवाजा खोला। नीलेश के एक ही वार से मुरली बेजान हो गया। नीलेश के हाथ खून से भर गए। उसकी आंखें रवीना को ढूंढ रही थी पर वो फ्लैट में नहीं थी। उसे बड़ा ही अजीब लगा पर प्लान के मुताबिक उसने मुरली की लाश फ्रिज में रखने के लिए दरवाजा खोला तो वहां रवीना की लाश पड़ी। उसे देखकर नीलेश की रूह कांपने लगी। नीलेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, सांसें तेज हो गई और वो बेहोश हो गया। अगले दिन जब नीलेश को होश आया तब वो पुलिस स्टेशन में था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद पता चला कि रवीना की मौत 15 दिन पहले हो चुकी थी। जब ये बात नीलेश को पता चली तो वो डर गया। ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो पागल हो गया।